राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। देखिए, सुतांतु भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी हम खोलने जा रहे हैं जो कि हमें अभी अभी प्राप्त हुआ है, ये कोरियर प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि दीदी, हम कैसे कथा को बुक कर सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, कथा बुक करने का प्रोसीजर क्या है। तो मैं आज आप लोगों के सामने रीओपन करूँगी। पहले आप लोगों को बता दूं कि 21 मई से मेरी राजस्थान में एक कथा है, राजस्थान में हनुमानगढ़ में वो कथा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी, मैं कैसे बुक करूं, मैं आ नहीं सकती आपके पास। पहले तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग मेरे पास खुद ही आए। और नारियल, एटलीस्ट आपको पता है कि मैं कथा करने का कोई दक्षिणा नहीं लेती, लेकिन नारियल कथा बुक करने के लिए आपको स्वतः ही आना चाहिए, क्या क्या सामग्री लेके आनी चाहिए। तो जब उन्होंने कहा कि दीदी मैं आ नहीं सकती, बहुत दूर है राजस्थान, मैं कैसे करूं, तो मैंने उनको बोला कि आप कोरियर बुक कर दीजिए, कोरियर से मेरे पास आप नारियल भेज दीजिए। मैं आपको बताऊंगी भी प्रोसीजर की क्या क्या सामान है, आपके सामने खोलूंगी, आप देख लोगे पूरी तरीके से। अभी ये पैक्ड है, तो इस पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक्टर आशु दीदी, D3707 सुपर टेक लिविंग लिस्टिंग गाजियाबाद, मोबाइल नंबर वगैरह दे रखा है। शुभकामनाएं सहित धीरज जोशी जी ये कथा करा रहे हैं, कोरियर से आया है, पूरा पैक्ड है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सुतांतु भी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं इस समय पे, क्योंकि अर्पित तो बिहारी जी के चरणों में ही करना है। तो सीजर से मैं आप लोगों के सामने ही खोल रही हूँ। मैं तो देखिए खोलते हुए भी मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि सबसे पहले हो सके तो आप लोग स्वतः ही बुक करने के लिए आइए। अगर आप लोग नहीं आ सकते तो आप कथा बुक कराने के बाद, कथा का जो आगे का सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है आपको, मतलब जो भी आपका कथावाचक है उसको आमंत्रित करना होता है। जैसे कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, तो जो भी आपका कथावाचक है आपको उनको आमंत्रित करना होता है। और आमंत्रित करने के लिए आपको कुछ नारियल, ठीक है, कुछ दक्षिणा, पीले चावल इत्यादि। स्वतः नहीं आ सकते तो आप इस प्रकार से कोरियर भेज सकते हैं। मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि कोरियर में क्या क्या है, तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग कैसे भेज सकते हैं। मैंने इनको बता दिया था आज की दीदी आप मुझे ये सारा सामान भेजिए। और आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है ये जो नारियल आप देख रहे हो ना, पीले कपड़ों में है, इसमें नारियल भी है और पीले चावल भी हैं, दैट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। यही नारियल मैं आप लोगों के पास लेकर आऊंगी जब कथा करने के लिए आऊंगी। इसमें पीले रंग के चावल भी हैं और ये कपड़ा हल्दी से पीला किया गया है, ऊपर से कलावा बंधा है, और ये नारियल है और इसमें ही पीले राइस है। सीधा इसको बिहारी जी के चरणों में, लड्डू गोपाल जी पे बैठे हैं, इनके चरणों में चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको अपने पूजा स्थल में संभाल के रखूंगी और जब मैं कथा करने के लिए आऊंगी आपके पास तब मैं इसको साथ में लेकर आऊंगी। दूसरा, जो भी आपकी कथावाचक है आपको उनके लिए कोई भी वस्त्र आप भेज सकते हैं। जैसे कि दीदी ने ये वस्त्र भेजे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वस्त्र भेज रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक वस्त्र आपको भेजना आवश्यक होता है। मैंने उनसे 5 कार्ड छपवाने को लिए बोला था, एक कार्ड स्वतः देखिए, आप ये देख रहे हो, श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है 21 मई से, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि कलश यात्रा 10 बजे से है और प्रतिदिन कथा 3:15 पर ही स्टार्ट होगी। ये है नज़दीकी शिवम होटल हनुमानगढ़, धीरज जोशी जी एवं समस्त जोशी परिवार। तो आपको मैंने 3 कार्ड उनसे छपवाए थे, 2 मैंने स्वतः के लिए मंगाए थे, 1 बाकी बिहारी जी के मंदिर में मुझे पहुंचाना है, उसके लिए 1 मेरे को अपने पास रखना है, उनके लिए मेरे मंदिर में स्थापित होगा। साथ ही के साथ मैंने उनसे ये मिश्री मंगाई थी, ये मिश्री किस चीज़ के लिए है, बाकी बिहारी जी के मंदिर में उनके साथ ही जाएगी लड्डू गोपाल के लिए। और साथ में मैंने कुछ ये मिष्ठान मंगाया था जो आप देख रहे होगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 किलो का डिब्बा, 1.5 किलो का डिब्बा, 2 किलो का डिब्बा, 1/2 किलो का डिब्बा, कोई भी मिष्ठान आप भेज सकते हो। मिष्ठान भी इस समय मैं भोग लड्डू गोपाल को लगाने वाली हूँ। यहाँ पे तुलसी तो है नहीं, मैं जल्दी तुलसी डालूंगी, खोल के मैं लड्डू गोपाल को। ये नारियल है, तो ये नारियल में आप ये देख रहे होगे, जो नारियल मैंने बोला था ये नारियल मुझे वापस लेके जाना है। इस नारियल में कुछ दक्षिणा जैसे कि इन लोगों ने लगा रखी है, ये दक्षिणा आप लोगों को भेजनी है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 2100, 5100, 21000, 11000, वट एवर जो भी आपकी जरूरत होती है। आप ये देखिए, एक चांदी का सिक्का भी भेजा जाता है, ये चांदी का सिक्का, इसमें भी हल्दी दी कुमकुम चंदन रोली लगाई जाती है। ये देखिए, इन लोगों ने चांदी के सिक्के में भी हल्दी कुमकुम चंदन रोली लगा रखी है। आप ये देखिए, लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का होता है तो सर्वोत्तम माना जाता है। ये देखिए,
ये दक्षिणा, ये नारियल और ये है पीले चावल। ये पीले, पहले मैं दक्षिणा हटा देती हूँ। ये पीले चावल और ये नारियल ही आपकी कथा को बुक करते हैं। मैं इनको सर माथे लगाती हूँ और आपका आमंत्रण धीरज जी मैं स्वीकार करती हूँ और मैं 21 तारीख से आ रही हूँ पूरे के। मैं ये नारियल अपने मस्तक पे लगाती हूँ और आपका निमंत्रण मैं स्वीकार करती हूँ और मैं राजस्थान में आ रही हूँ। हनुमानगढ़ पे 21 मई से कथा का आयोजन होना है। इनकी माता जी की बरसी थी, इस मौके पर कथा का आयोजन होना है। तो ये मैंने आपको छोटा सा प्रोसीजर बताया कि आप किस प्रकार से इस तरीके से मुझसे कथा बुक करा सकते हैं। आपको पता है कि कथा करने के मैं कोई भी चार्ज नहीं लेती हूँ। हमारा मानना है कि कथा का कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। कथा बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग ही नहीं, आम लोगों के घर पे भी कथा पहुंचनी चाहिए। ये नहीं कि जिनके पास लाखों की इनकम है केवल वही कथा करा सकते हैं। आप और हम जैसे आम लोग भी हैं और हम आम लोग भी कथा करा सकते हैं। तो आप सभी लोग जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप सभी लोग बहुत ज्यादा आमंत्रित है। राजस्थान की पावन धरा जिसको वीरों ने अपने लहू से सींचा है, तो आप सभी आइए। पीली हनुमानगढ़ में कथा का आयोजन है, 21 मई से कथा का आयोजन है। और ये आपको मैं एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो कि नज़दीकी सत्यम शिवम होटल हनुमानगढ़ जंक्शन के पास है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए, मुझसे वहाँ पे आप सब मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अपनी कथा भी मेरे सारे बुक करा सकते हैं। उससे पहले अगर आप 10 अप्रैल को मेरे कार्यक्रम में आना चाहते हैं तो 10 अप्रैल को भी पीली बंगा में मेरे कार्यक्रम का आयोजन है राजस्थान में। आप सभी वहां पे भी सारे आमंत्रित है। कथा बुक कराने के लिए भी आप लोगों को मैं एक नंबर है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहां पे भी आप जाके कथा बुक करा सकते हैं। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।